स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुजम्मिल, दिस इज अम्स, दिस इज हिम अम्स, अम्मार की शॉर्ट फॉर्म अम्स। खैर यार, आज हमारी वो हमारी कह रहा हूँ, आज हमारा टॉपिक है बकरीद का, क्योंकि जैसे ही शुरू हुई है बकरीद का कंटेंट बहुत बकरीद सिर्फ और सिर्फ तीन हफ्ते दूर है। सबको पता है पाकिस्तान के लोगों में तो बकरीद का एक अलग ही क्रेज़ होता है, और लड़कों के अंदर तो एक नेक्स्ट लेवल क्रेज़ होता है मंडी आना जाना। मैंने जैसे बोला था कि मंडी का ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आएगा चैनल पर कभी ना कभी, तो इंशाल्लाह इसी साल आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम JDC भी जाएँ तो वहाँ की भी गाय आपको दिखाएँ इंशाल्लाह। कुछ प्लान हैं हमारे छोटे मोटे, देखते फिर ये एग्जीक्यूट हो पाते हैं नहीं पाते, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है। तो खैर, सो अभी तो ये है कि गाय के ऊपर एक हम वीडियो ले देखी हमने, तुमने निकाली है फनी फेल है, केक्स वगैरह जैसे जो पता नहीं जो भी है, वो गाय जो अक्सर लात मार देती है ना लोगों को, वो है उसकी फनी है। तुम्हें वैसे कभी पड़ी लात? नहीं, उदयपुर को पड़ी थी बहुत पहले 2013 में, जंगली गाय थी वो, पीछे थे हंसी। नहीं मुझे नहीं, सच बताओ मुझे तो गाय से बॉर्डर लगता है। मेरे मुंह पे दुम पड़ी थी इतनी मोटी, हम वहाँ VIP टेंट होते हैं ना मंडी में, वो दुम उसने घुमाई मुंह पे पड़ी। मेरा तो गाय का अलग ही ना अनमन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं गाय से डरता हुआ तो मुझे अच्छा, बस अपनी गाय को मैं बस मतलब वो भी टहलाता नहीं हूँ, लेकिन उसका ख्याल व्याल कर लेता हूँ, प्यार वगैरह उसको कर लेता हूँ। मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले की बात है, तकरीबन 5-6 साल पहले की है, मेरी गाय थी, हम अच्छा हमारी गाय भाई दादा के घर पर आती तो हिस्से वगैरह होते उसके अंदर ना, तो मैं वहीं चला पर जाता हूँ गाय के ख्याल व्याल रखने के लिए, मैं और मेरा कज़न है, हम लोग मिल के जो भी होता है कर लेते हैं ख्याल वगैरह ना। तो वहाँ पर ना मैं, मुझे याद है दिन का टाइम था, तो मैं गाय के साथ ना, गाय हमारी यहाँ कारपोच के अंदर ही ना सीढ़ियों के साथ हमने बांधी थी, तो मैं सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, गाय बैठी हुई थी अपनी ना, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, गाय तो बैठी है, मुझे उस तरफ जाना था वो कारपोच की दूसरी साइड, तो मैंने कहा काम करता हूँ गाय तो बैठी हुई है, गाय के ऊपर से जंप मार के चला जाता हूँ। गाय सुकून से बैठी हुई सही है, मतलब कुछ नहीं हिल रही, वो भी अपना जा रहा मुँह चला रही जुगाली कर रही, फिर मैंने ना जैसे ही उठ के ऊपर से जंप मारने लगा गाय खड़ी हो गई। अब गाय खड़ी हुई है, गाय मेरा एक पैर गाय के ऊपर एक पैर उधर आया था, मैं गिरा हूँ ना मुंह के बल, कहने गाय को अचानक से डर लग गया, नहीं गोबर पे नहीं गिरा था, ये अच्छा था कि ना मैं स्पीड, मैंने ना जंप मार रही थी तो था मैं थोड़ा सा हवा में ही, और फिर गाय ने एक टांग मेरी उठा के और मुझे उस तरफ फेंक दिया, तो मैं थोड़ा सा दूरी जाके गिरा था, लेकिन लगी बहुत ठीक ठाक थी मुझे ना फर्श पे जब मैं गिरा था। हमारे पिछले साल की गाय की वीडियोज़ या थोड़ी वीडियो, हाँ वीडियो पिक्चर दिखा देते, अगर मिल गई तो जरूर डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ पे वीडियो पे। सही है। खैर तो अभी ये देखते हैं हम लोग वीडियो, तो वीडियो तो देखते हैं वीडियो में क्या है। वो जानवर तो अच्छा लग रहा है यार, बारिश में गोबर का ना मिक्सअप, वो खाना खा रही है ना जब भी, ओए ओए तेरी, ओए 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 हार दियो से कपड़े, ओ अंकल की हासड़ देखो जरा, ओ ओहो डग गया उसके पैर में, डग गई रस्सी जब भी, वो हल्की हो गई बंदा मारते थे, क्या अशर करा है यार, सलवार उतर गई सही में, वो कपड़ा लिए हुए थे मुँह पे, उसको कीचड़ में गंदी तरीके से रगड़ा है इसने यार। मतलब गाय जितनी भी वो तगड़ी है में कट तो जाती ही है, ये देखो डग गया उसके पैर में रस्सी डग गई है, ओ तेरी ये गधा बन गई नाड़ी चता है, अबे दो पकड़े रस्सी गिर गया, अरे अरे अरे
अरे अबे उठ जा भाई, डांट पड़ेगी तू तो ही बोलने उठ जा, दूर आगे गिरेगा। ओ तेरी दूर आगे गिरी है, वो देखो जरा उसके मुंह पर आगे गिरी है गाय। चलो बेटा मैं तो पकड़ में आया, अपनी भागी है अपनी भागी, तो मुंह पर आगे चुरी रहा चुरी रहा। फिर खड़ी रैप कहाँ चल रही थी, कुत्ते उठ के मारेगी एक है बंदे कुत्ते। मुझे तो मुझे कहीं और ये तो मुझे बांग्लादेश की लग रही है। मार दिया इनकी तो देखो, नहीं नहीं उसे मुंह पकड़ा हुआ है बंदे ने भाई, छोड़ा नहीं बंदा की तरह चिपका हुआ है वो तेरी। ले जाएगी उसको तो अपनी ताकत का अंदाजा। मुझे इंडिया या बांग्लादेश में से कहीं की वीडियो लग रही है, धोती वोटी वाले मिलो हमारा इलाका इंडिया मुझे लग रहा है। वो तेरी दरवाजा वो गिर गया केस में लड़का वाला गायब हो गया हमारे। माननी चाहिए पहले। हाँ भाई लोग ऐसे अपने आप को समझते हैं, तीस मार खान के गिरा दें। तो मस्जिदों में जो गाय बात है ना कसाई, वो प्रोफेशनल होते हैं उसके लिए। उनकी गायें भी तो इतनी सी होती हैं, दो किलो की गाय होती हैं, लेकिन वो जितनी भी हो ना वो संभाल लेते हैं यार, वो अपने प्रोफेशनल होते हैं। वो ऐसे जैसे काटते हैं ना उनकी, बस उनकी छुरी इतनी तेज होती है ना, गाड़ी गायें पर लेकिन खुद भी गिर गई, विंड स्क्रीन में टकरा के गिर गई। टॉप 15 था ये तो, चार भी नहीं हुई क्या लिखा था टॉप 15। अबे हाँ ये तो, ये तो अच्छा पार्ट टू था टॉप 15 का। अच्छा लेकिन यार गाय के ना इंसिडेंट तो वैसे हर साल होते हैं, और यार लेकिन इस चीज़ में अक्सर गाय मतलब कि गाय वगैरह को भी बहुत चोट लगती है, और अक्सर तो इंसानों को ही मोस्टली लगती है, क्योंकि जानवर तो ऐट दी एंड कट जाता है, मगर इंसान जिनको जो जिंदा रहते हैं वो अपनी चोटें लेके फिर बैठे रहते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक ना। किसी का हाथ तोड़ देती है, किसी का किसी के पैर में लग गई तो बस चलो भाई लंबी कहानी हो गई। फिर होता ना कि गाय का वजन अपना खुद का भी होता है, और गाय देखती तो है नहीं कि लग का रही है, वो तो बस इधर उधर उछल पान चाहिए। जब जैसे वो जो अंकल को रगड़ा उसने पहली वाली उसने वीडियो में, फो क्या कीचड़ में घसीट घसीट के उनको लेटा दिया था बिल्कुल ही उनको। देती तो बहुत है, बहुत कुछ एक वीडियो में ड्रामेबाज गायें होती हैं वो ऐसे ही मरने की। हाँ अक्सर तो वो भी होती हैं, और अक्सर तो वो भी होती है जिनकी आधी आधी गर्दनें कटी होती हैं, खड़ी हो जाती हैं, वो एक खड़ी होकर मारती हैं। अच्छा और इसमें तो खैर चलो लात वाली तो मोसी नहीं थी, वरना वो जो खड़ी खड़ी जो लात वो देती है पीछे तक जा रहा हूँ पड़ी लात, मतलब बिन बिन बताया ऐसी गंदी लात पड़ती है ना यार। मुझे उस एक तो दो कैसी आ रही है, एक बेचारा जो साइकिल पे पीछे जा रहा था बिना वजह गिर गया, और एक वो बेचारा बच्चा जो दरवाजे से वो लटक के बाहर देख रहा, वही दरवाजे से गिरा नीचे पीछे होके मुझे नजर नहीं आया। हाँ चलो हाँ ये थी बस आज की वजह से इतना ही था, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मतलब देखेंगे, और कुछ अच्छी वीडियो मिली तो जरूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।